नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ इस क्वेश्चन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज का जो हमारा शीर्षक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का जो मेरा शीर्षक वह है महत्तम समापवर्तक। इसे हम संक्षेप में मस भी कहते हैं। अंग्रेजी में यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, जिसे हम संक्षेप में HCF कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए जिन दो विधियों का प्रयोग करते हैं, उन दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो पहली विधि है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को LCM के बारे में बताया था कि LCM हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज की इस वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप ध्यान से इसे देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित ही HCF निकालना सीख जाएंगे। यदि किसी प्रकार की कहीं आपको ऐसा समझ में आता है कि नहीं समझ में आया कोई भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो के दौरान, कहीं भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बताने का प्रयास करें, जिससे हम अगली जब वीडियो बनाएं प्रश्नों के साथ आएं तो उसमें हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की इस या जो शीर्षक है उसका। तो देखें, मैं महत्तम समापवर्तक को समझाने के लिए आप लोगों के सामने दो उदाहरण लेकर के आया हूँ। पहला उदाहरण देखिए क्या है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई हैं, 120, 144 और 204। हमें इन तीनों ही संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम मस ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले ये जो भी संख्याएं दी गई हैं हम उन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का जो विधि है उसे आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं। मेरी जो पिछली वीडियो थी LCM वाली, उस वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि किसी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। उसी का प्रयोग करते हुए, उस विधि का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ये जो तीन संख्याएँ हैं आप देख रहे हैं, 120, 144 और 204, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए चलिए देखें। देखिए 120 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ये प्राप्त होगा। आप जब इसका गुणा कर देंगे तो आप देखेंगे कि 120 आएगा। आप देखें 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और 24 × 5 = 120 होता है। तो 120 का यह गुणनखंड है। नेक्स्ट देखिए 144, 144 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपके सामने 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 यह आपको प्राप्त होगा। देखें, जब आप इन सभी का गुणा करेंगे तो 144 आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं गुणा करके 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 करेंगे तो 48 आएगा और 48 में जब 3 का हम गुणा करेंगे तो 144। ठीक ऐसे ही 204 का भी हम देख लें। 204 का जो गुणनखंड है, आपने जब इसको अभाज्य गुणनखंड किया तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 3 × 17, इसका भी आप गुणा करेंगे तो 204 आपको प्राप्त होगा। अब देखिए तीनों ही संख्याओं का यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए पिछली वीडियो में जब मैं LCM बतला रहा था तो LCM में हमें क्या करना था कि सबसे छोटे गुणनखंड को, जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड था उसको हम क्या करते थे, यह देखते थे किस संख्या में वह सबसे अधिक है। लेकिन उसके विपरीत जब हम मस ज्ञात करते हैं तो इसमें हमें यह देखना है कि कौन कौन से जो गुणनखंड हैं, जो फैक्टर हैं, वे तीनों में ही कॉमन हैं। जो गुणनखंड तीनों में कॉमन होता है उसे हम निकाल लेते हैं, और जितने भी फैक्टर्स उभयनिष्ठ हैं, कॉमन हैं, उन सब का गुणा करके जो परिणाम, जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, जो गुणनफल हमारे सामने आता है, वही हमारा
महत्तम स्वापवर्तक या HCF होता है। तो देखें, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन तीनों में कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं, कौन कौन से गुणनखंड कॉमन हैं। तो देखिए 120 में यहाँ पर देखें, यह दो, एक दो यहाँ पर है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह एक दो का एक पेयर ऐसा है जो कि तीनों में ही क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दो निकाल लेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये दो, ये दो, ये दो, यहाँ पर भी एक एक, ये भी एक क्या है, हमको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से एक निकाल लेंगे। फिर देखें एक दो यहाँ पर है, यहाँ है, लेकिन अब इसमें दो नहीं है। तो अब ये अगर एक और दो यहाँ पर रहता तो हम एक दो और ले लेते, लेकिन देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पर अब दो को नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर दो है लेकिन यहाँ यहाँ नहीं है। ठीक है, अब अगली कौन सी ऐसी अंक, या हमें कहें कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि तीनों में है। तो देखिए दो के बाद अब यह तीन, देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यह भी क्या है, कॉमन है तीनों में, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये और ये, तो हम क्या करेंगे, एक तीन भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें, अब यहाँ पर तो एक तीन है लेकिन ना तो इसमें एक है तीन, नहीं इसमें तीन है, तो हम अब केवल एक ही तीन यह हम ले पाएंगे। ठीक है, पाँच को देखिए, पाँच भी देखिए इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो पाँच भी हमारा कॉमन नहीं है। 17 देखिए, 17 भी केवल यहीं पर आया हुआ है, 204 वाली संख्या में ही, न तो वह 144 में है, नहीं 120 में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन तीनों में ही ये दो गुणे दो, दो गुणे दो, दो गुणे दो, एक तो ये कॉमन है और फिर तीन कॉमन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा HCF होगा वह क्या जाएगा, देखिए एक दो ये कॉमन और एक तीन ये कॉमन, ये हमने निकाल लिया और इसका हम क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, दो दूनी चार, चार तीन 12, बराबर कितना हो जाएगा, 12, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंडन विधि से महत्तम स्वापवर्तक ज्ञात करेंगे। महत्तम स्वापवर्तक ज्ञात करने के लिए LCM के विपरीत हमें सिर्फ इतना देखना है कि तीनों में कौन कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं, ऐसे फैक्टर जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं, हम सिर्फ उनको बाहर निकाल लेते हैं और जो कॉमन नहीं होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो जो कॉमन होते हैं उनको हम ले लेते हैं और उनका गुणा कर देते हैं। तो इस एग्जांपल में आपने देखा, देखिए एक ये कॉमन था, दो ये कॉमन था और तीन ये यहाँ से कॉमन था, तो इसको हमने ले लिया और ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। आइए अब हम लोग इसी प्रश्न को भाग विधि से निकाल कर देखते हैं। देखिए भाग विधि जो है महत्तम स्वापवर्तक में जो भाग विधि होता है वो थोड़ा आसान विधि है। देखिए भाग विधि से जब हम इसी प्रश्न को करेंगे तो भाग विधि से करने का क्या तरीका है, पहले मैं आपको बता दूं। देखिए प्रश्न हमारा वही है, 120, 144 और 204। भाग विधि में हम क्या करेंगे, हम एक किसी भी एक संख्या को लेंगे और उससे जो छोटी संख्या होगी, तो जैसे यहाँ पर है 120, 144 और 204, तो इसमें सबसे छोटी 120 है, तो हम इस 120 से या तो 144 को विभाजित करेंगे या 204 को, दोनों में से किसी एक को हम विभाजित करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं जो स्टार्ट किया हूँ, 144 को 120 से विभाजित किया हूँ, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, 140 को हम 120 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, 120 से कम 120। अब इस 140 में से 120 को हम घटा देंगे, भाग देने की जो प्रक्रिया है वही यहाँ पर हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना शेष बचेगा, यहाँ आप देखेंगे जब 140 में से 120 को आप घटाएंगे तो यहाँ पर ये 24 शेष बचेगा। ठीक है, 140 में से 120 घटाएंगे, चार में से शून्य घटाएंगे तो यह चार आएगा और चार में से दो घटाएंगे तो ये दो, एक में से एक घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए यह जो शेष 24 बचा, इस 24 से हम यह जो 120 है जिससे हम भाग देना प्रारंभ किए थे, ठीक है, इस 120 को यहाँ पर लिखेंगे और अब इस 120 को यह जो शेष 24 बचा है इससे हम भाग देंगे। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब आप 120 को, अब यह जो 120 है यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, और यह शेष जो 24 है उससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, पांच बार जाएगा। ठीक है, 24
गुणे 5 करेंगे तो 120 आएगा और इस प्रकार से यह कट जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर यह जो शेष बचा था इससे यह वाली जो संख्या है वह पूरी तरह से कट गया। अब हमें क्या करना है, यह जो 24 है इस 24 से, जिससे कि यहाँ पर सब कट गया, लास्ट में कोई शेष नहीं बचा, तो यह जो हमारा संख्या है 24, इस 24 से शेष बची हुई यह जो संख्या है इसको हम भाग देंगे। ठीक है, तो यह जो 24 बचा है देखिए इसको यहाँ पर हमने लिख लिया 24, और यह जो 204 है इसको यहाँ पर रख लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 24 से भाग देना है, 204 को कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 24 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा, 192। ठीक है, 204 में से 192 आप घटा देंगे, भाग देने की नॉर्मल प्रक्रिया है उसे आप सब जानते हैं। यहाँ पर अब 204 में से 192 हम घटा लेंगे तो शेष बचेगा 12। अब देखिए यह जो शेष बचा इस शेष से इस 24 को हमें भाग देना है, तो देखिए इस 24 को हमने यहाँ पर लिख लिया, ये 24 हमने लिख लिया, इस 24 को 12 से भाग हम देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम 12 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 दुनी 24, पूरा पूरा यह कट जाएगा। तो देखिए यह जो 12 है यह क्या हुआ, यह जो संख्या है 12, इस 12 से सबसे अंत में पूरी तरह से हमारी संख्या कट गई और कोई भी शेष नहीं बचा। तो यह जो लास्ट में संख्या, जो पूरी संख्या को विभाजित कर दिया, यही क्या है, यही हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 120, 140 और 204 तीनों को ही क्या करता है, पूरी तरह से विभाजित कर देता है, पूरी पूरी तरह से विभाजित करता है। ठीक है, तो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह सबसे बड़ी संख्या है जो 120, 144 और 204 तीनों को ही संपूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, आपने देखा कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है और दूसरा यह भाग विधि। दोनों में से जो विधि आपको आसान लगे आप उसको अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों के बता दूं कि यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं विशेष रूप से BTC के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं, तो उनके यह कोर्स में है और आपको दोनों ही विधियों से महत्तम समापवर्तक निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 120, 144 और 204 का भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए या गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों विधि आपको जानना है, दोनों ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए एक और एग्जाम्पल से हम इस प्रश्न को महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखते हैं। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है आपके लिए वह है 671, 781 और 1441। हमें क्या करना है, इसका हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। आइए देखिए गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तीनों संख्याओं का हमको अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए जो 671 है, 671 का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया, वह क्या है, 11 गुणे 61। आप देखें 11 एक अभाज्य संख्या है और 61 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 11 गुणे 61 करेंगे तो 671 आएगा। अब 781, 781 का 11 गुणे 71 आएगा। ठीक है, 11 अभाज्य संख्या और 71 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1441 का देख लेते हैं। अब 1441 का जब आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 11 गुणे 131, 11 गुणे 131। अब देखिए आप इन तीनों ही संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है आपके सामने है और आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कॉमन क्या है। देखिए तीनों में ही केवल 11 वह संख्या है जो कॉमन है और एक ही बार है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह क्या है, 11 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 11। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, चलिए अब इसी प्रश्न को हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो भाग विधि से करने के लिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, सबसे पहले 781 को 671 से भाग दिया हूँ। पिछला जो प्रश्न था ठीक वैसे ही इसको हम करेंगे। देखिए 781 को 671 से हम भाग देते हैं, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार।
ठीक है, 781 को जब आप 671 से विभाजित करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 781 में से 671 को जब आप घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा, आठ में से सात घटाएंगे तो यहाँ पर एक आएगा, और सात में से छः घटाएंगे तो एक, यानी कि 110। ये देखिए शेष कितना बच गया, 110। अब इस 110 यह जो शेष बचा है, इससे हम यह 671 जो है, 671 को अब विभाजित करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भाज्य के स्थान पर कौन आ गया, 671, और यह हमारा जो शेषफल बचा था यह भाजक हो गया। अब कितनी बार लेकर चला जाए, तो आप जब 671 को 110 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 बार जब आप 110 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वह आ जाएगा आपका 660, ठीक है, 660 आएगा, 660। अब इस 660 को हमको क्या करना है, 671 से घटा देंगे, भाग की नॉर्मल प्रक्रिया है यह, और घटाएंगे, देखिए एक में से शून्य घटाएंगे तो एक आएगा, सात में से छः घटाएंगे तो एक आएगा, और ये घट जाएगा। अब देखिए यह जो शेष बचा 11, हम क्या करेंगे, इस 11 से 110 को भाग देंगे। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखें 110 यही है हमारा 11 शेष बचा है, यहाँ पर 11 लिख दिया। अब 11 हमारा क्या हो गया, 11 हमारा हो गया अब क्या है, ये भाजक बन गया, और 110 जो यहाँ पर भाजक था वो यहाँ भाज्य के स्थान पर चला आया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 11 दहा में 110 होता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक बार ले चलेंगे, 11 एक 11, ठीक है, दोनों कट जाएगा, ऊपर से जीरो आएगा, जीरो तो 11 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम एक जीरो लिख लेंगे, तो 10 बार में पूरा पूरा कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस 11 से 1441 को भाग देंगे। तो अगली प्रक्रिया देखिए, 1441 को हम 11 से भाग देंगे, तो सबसे पहले एक बार लेकर चला जाए, है ना, 11 एक 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 4 में से घटाएंगे तो 3, और 1 में से घटाएंगे तो कट जाएगा, और यहाँ से 4 ये उतर जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यह जो 34 है हमारा, इस 34 को हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 11 3 33, ठीक है, 34 से 33 घटाएंगे शेष बचेगा 11, देखिए 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 3 में से 3 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और ऊपर से 1 हमारा उतर जाएगा। अब ये कितना बचा है, 11, 11 को अब 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, ठीक है, तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर यह जो 11 है, सबसे अंत में 11 ही वह संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग चला गया, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा HCF क्या है, 11 है। तो 671, 781 और 1441 का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक है, वह क्या है, 11 है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह क्या है, 11 है। तो आप देखेंगे ये हमारा आंसर ज्ञात हो गया, ठीक है, HCF बराबर 11 है। इस प्रकार से आप किसी भी दी गई दो या तीन जो संख्याएं हैं, वह चाहे दो अंक की हों, तीन अंक की हों, या चार अंकों की हों, उन सभी संख्याओं का आप महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कुछ भी ना समझ में आए तो आप रिमाइंड करके पीछे जा करके इसको फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनेंगे निश्चित ही समझ में आएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको जो ज़रूरी है वह एक तो है कि आप जो गुणनखंड विधि है, किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना, उसको आप जानें, ठीक है, पिछले सेमेस्टर आप इसे पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को बताया हूँ, पिछली वीडियो में बताया हूँ, उसको आप देखिए, बहुत ही आसान विधि है। तो सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करिए, गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो भी सभी संख्याओं में कॉमन हो उसे आप बाहर निकाल लीजिए और उनका गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये तो रही बात आपको समझाने के लिए, मैं जो दो उदाहरण लेकर आया था वह रहा। अब मैं आप लोगों के सामने देखिए दो प्रश्न अभ्यास के लिए लाया हूँ, आप इसे नोट कर लें और खुद से आप इसका अभ्यास करें, और जो उत्तर आए उस उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से भेजिएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि आप जो है एक्टिव होकर के सीख रहे हैं, ठीक है।
तो ये देखिए दो प्रश्न हैं, पहले प्रश्न में 101, 901 और 1111 है, इसका आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि दोनों ही विधियों से ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 625, 3125 और 15625, ये दो प्रश्न आपके लिए अभ्यास के लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो प्रश्न हैं, प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है, जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसको मैं लेकर के आऊँगा। तो अगली वीडियो देखना न भूलिएगा। ऐसे विद्यार्थी जो मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि यदि वे हमारे वीडियोज़ को आगे देखना चाहते हैं तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन तक हमारी आने वाली जो भी वीडियोस हैं वह लगातार पहुंचती रहें। नमस्कार।